लड़कियों ने आपस में रचाई शादी। शादी कर थाने पहुंच, पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। शादी की सूचना पर लड़की की मां भी पहुंची थाने। लड़की की मां का कहना, दोनों लोगों को हम रखने को तैयार। सुप्रीम कोर्ट द्वारा समलैंगिक कानून द्वारा पास किए गए बिल जाने के बाद यूपी के फतेहपुर जिले में दो लड़कियों ने आपस में शादी कर ली और शादी के बाद अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर थाने पहुंच गए, जहां पुलिस ने उन्हें थाने से बेरंग वापस कर दिया। आपको बता दें कि जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के वर्मा चौराहा की रहने वाली कोमल, जिसने अपनी शादी कानपुर की रहने वाली पूनम देवी से की है। शादी के बाद दोनों लड़कियां सुरक्षा के गुहार के लिए सदर कोतवाली पहुंच गई, जहां पुलिस बेरंग वापस भेज दिया। वहीं इस शादी में दुल्हन के रूप में जिले की रहने वाली कोमल है, वहीं दूल्हे के रूप में कानपुर नगर की किदवई नगर की रहने वाली है। इस मामले में दुल्हन वाली कोमल ने बताया कि आगे जो भी होगा देखा जाएगा। हम लोग थाने की लिखा पढ़ी के लिए आए हैं कि हम लोग दोनों को घर वालों से कोई मतलब नहीं है। हम लोग दोनों दोस्त थे, दोनों लोग साथ में काम करते थे। वहीं इस मामले में दुल्हन बनी कोमल ने बताया कि यह मेरे पति हैं, हम इनकी पत्नी हैं, हमारा परिवार तो ऐसे भी छूट गया है, अब ये हमारे हैं और हम इनके हैं। वहीं दूल्हा बनी पूनम की मां ने बताया कि हम इन्हें घर ले जाना चाहते हैं, हम इस शादी से राजी हैं, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना। क्या दिमाग में बात आई जिससे आप लोगों ने? कुछ नहीं, हम लोगों का साथ में रहना। आप दोनों की फ्रेंडशिप? हाँ, फ्रेंडशिप है हमारी। दोनों साथ काम करती थी क्लास में? नहीं, काम कर जॉब करते। किस जिले का? जेड स्क्वायर में। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूनम है। इनका नाम क्या है? कोमल।